हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीग 11। तो आज मैं अनानास सिंह आपसे बात करने आया हूँ एट अनाड़ी टॉक्स। जी हाँ, अनाड़ी टॉक्स एक नया सेगमेंट है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जहाँ मैं अनानास सिंह और मेरी पत्नी संतरी देवी, जो अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने आएंगी, वो आपसे एज फैन बात करेंगे। जी हाँ, और सबसे पहला मैच ही जो भारत का है वो है बनाम पाकिस्तान, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सेगमेंट के अंदर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके साथ बात करेंगे और शेयर करेंगे कुछ नयाब चीज़ें जिनके बारे में आपने शायद सुना भी हो पहले, या भूल गए हो, या आपने कभी नहीं सुना, तो वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैंने तो देखिए अपनी पेटी बांध ली है, तो आप भी जो है अपनी पेटी को बांध लीजिए और तैयार हो जाइए फॉर अनाड़ी टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान इन वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल्स। जी हाँ, वर्ल्ड 2020 चैम्पियनशिप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के कुछ अनोखे फैक्ट्स हैं जो शायद ही लोगों को मालूम होंगे। कुछ चंद लोगों को जो क्रिकेट कीड़े है जैसे मैं हूँ, मेरे को मालूम है, मगर आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। तो मेरे को लीग 11 वाले बोले कि आप जो है लोगों को बताओ इस बारे में, क्योंकि आज जो है हिमांग नेगी की अनुपस्थिति में मैं आपका होस्ट हूँ, ठीक है। उनको ये सेगमेंट नहीं दिया, उनको हमने प्रोफेशनल उसके लिए रख दिया। तो हमारा जो सेगमेंट है ये बिल्कुल ही फ्री सेगमेंट है, फ्री इन द सेंस कैजुअल सेगमेंट, जहाँ आप हमें सवाल भी भेज सकते हैं, आप हमसे पूछ भी सकते हैं चीज़ें। तो अगली बार जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर करेंगे, मगर आज पहला सवाल मैं आपके लिए ये रखता हूँ इस वीडियो के बीच में कि ये नाम अनाड़ी टॉक्स क्यों रखा है हमने। सोचिए सोचिए, अनाड़ी टॉक्स क्यों नाम रखा है, इस चीज़ का खुलासा मैं वीडियो के अंत में करूँगा। तो आज मेरे साथ एक स्पेशल रिपोर्टर और है फील्ड से, जिनके बारे में आपको मैंने पहले बताया था, मेरी धर्मपत्नी संतरी देवी। जी हाँ, संतरी देवी को भी काफ़ी क्रिकेट का शौक़ है, मगर आज तक कभी मौका नहीं मिला। धन्यवाद करूँगा लीग 11 का कि उन्होंने ये मौका दिया उन्हें और ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो ये सारी बातें कर सके। तो उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो तैयार करी है, ये जो आपके लेफ्ट में स्क्रीन आ रही है ना, इस पे अभी संतरी देवी जी बात करेंगी। तो आइए सुनते हैं संतरी देवी जी को। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग कुशल मंगल होंगे, सब ठीक होंगे। अरे घूंघट काहे नहीं हटाए? हम घूंघट इसलिए नहीं हटाए हैं क्योंकि आप कहते हो कि अगर हमारा चेहरा इस दुनिया में किसी ने भी देख लिया तो वो पागल हो जाएगा, शायद बचे ही नहीं। चलो ये फालतू की बातें छोड़ो, तुम जल्दी खबर बताओ, क्या खबर है, क्या क्या बना के लाई हो तुम? तो आइए जानते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग टू इंडिया पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक आपस में 5 मैच खेले हैं, जिसमें से इंडिया के नाम 5 में जीत रजिस्टर्ड है। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेकंड एवर बॉल आउट हुआ था T20 इंटरनेशनल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच। जी हाँ, MS धोनी पहले ही मैच अपना कप्तानी कर रहे थे भारत के लिए, क्योंकि पिछला उनका मैच जो था वो धुल गया था बारिश की वजह से। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे हैं इस मैच में बॉल आउट की नौबत आई थी, आखिरी में मैच जो है वो टाई हो गया था, और ये दूसरी बार हुआ था T20 इंटरनेशनल में। सबसे पहली बार हुआ था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। आज तक दोनों ही टीमें 160 रन का आंकड़ा जो है पार नहीं कर पाई। जी हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज तक 5 मैचों में दोनों ही टीमें 160 के ऊपर स्कोर नहीं बना पाई है। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विराट कोहली के पास 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। जी हाँ, एक बारी 2012 में जब उन्होंने 78 रन बनाए थे 61 बॉल्स में, और उसके बाद 2016 में जब उन्होंने 55 रन बनाए थे 37 बॉलों में। तो 5 मैचों में से 2 मैचों में तो विराट कोहली ने ही भारत को जीत दिलाई है। धोनी और युवराज दो ऐसे
ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 T20 इंटरनेशनल खेले हैं इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया की तरफ से। जी हाँ, ये दोनों इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये सारे मैचों में फीचर किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विराट कोहली और इरफान पठान लीड द चार्ट्स। सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए विराट कोहली के रन हैं इंडिया और पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल मैचों में जो वर्ल्ड कप में खेले जाते हैं, 169 रन है कोहली के नाम। वहीं इरफान पठान ने अपने नाम 6 विकेट कर रखी है 5 मैचों में। तो कुछ कमाल का ही फैक्ट है ये कि हम लोग डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान को। तो आशा करती हूँ आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। अब अगली अनार्य टॉक्स में जो है हम आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय। चलो जी, धन्यवाद आपका संतरी देवी जी, बहुत बहुत आपने हमें जो है इन फैक्ट से रूबरू कराया, हमें बहुत अच्छा लगा, दिल से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम आपके लिए चॉकलेट जरूर लेके आएंगे आज घर आने से पहले, ठीक है, खा लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप जितना शेयर करेंगे ना उतना हमारा रीच बढ़ेगा, उतने हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे इस अनाड़ी टॉक्स में। हाँ हाँ, अनाड़ी टॉक्स से याद आया, अनाड़ी हमने नाम इसलिए सोचा क्योंकि हम किसी तरह के एक्सपर्ट तो है नहीं, तो अनानास का अना और संतरी का री, तो वो बन गया अनाड़ी, ठीक है। तो ये रीज़न था अनाड़ी टॉक्स का। तो जाने से पहले जैसा हिमांग नेगी भी बोलते हैं, मास्क पहन के रखो, दूरी बना के रखो, ठीक है।